तो यहाँ पर अपन अपना बॉक्स खोल लेते हैं बोया का, और इसमें से एक पाउच निकलता है और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो इसमें से अपन को कुछ मैनुअल और वारंटी सर्टिफिकेट मिलता है वारंटी का, और ये जो मैनुअल है कोई और कुछ भी नहीं पड़ते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं और पाउच में से देखते हैं तो क्या क्या मिलता है। लेकिन पाउच की जो क्वालिटी ना बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई है, मतलब लेदर फिनिश के साथ आता है तो बहुत अच्छा पाउच मिल जाता है बोया लिखा हुआ। और यहाँ पर अपना माइक निकलता है, और इसके साथ जो सिलिकॉन है और कुछ इस सबको साइड में रखते हैं, और आप देख सकते हैं अपन को ये सर्टिफाइड, मतलब ये क्वालिटी सर्टिफाइड मिल जाता है, और इसके साथ ही कुछ एसेसरीज अपन को मिल जाती है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयस, आप देख रहे हैं टेक मोबाइल ओशन, और ये है बोया M1 माइक, और इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। सो लेट्स गो। और यहाँ पर इसमें आप स्विच कर सकते हैं कैमरा और ऑफ स्मार्टफोन, और इसके अंदर आप जो है आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप इसके अंदर बैटरी भी लगा सकते हैं लाइक दिस, आप देख सकते हैं। और अपन को जो इसकी बैटरी उसके अंदर दी गई है, और इसके साथ ये जो इसलिए काम में आता है क्योंकि ये पूरा ओमी डायरेक्शनल साउंड रिकॉर्ड करता है, मतलब 360 साउंड रिकॉर्ड करता है, और जैसे आप कुछ बोल रहे हो दूर से जो साउंड आ रहा है उसको कैंसिल कर देता है। सो गाइस, मैंने माइक्रोफोन लगा लिया, और ये कंडेंसर है, तो मैं सबसे पहले इसका बता देता हूँ इसका काम क्या रहता है। इसमें ऑन और ऑफ का स्विच रहता है, या फिर स्मार्टफोन और कैमरा आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका क्या रहता है, अगर आपने ऑफ पे रखा है तो जब आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तभी आप इसको यूज़ करिए, मतलब ऑफ पे रखना है, और जैसे आप लैपटॉप या फिर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको ऑन पे रखना है। इसका मतलब ये है कि जो कंडेंसर वो यूज़ होएगा जब आप अपना कैमरा या फिर स्मार्टफोन यूज़ कैमरा या फिर लैपटॉप यूज़ करेंगे, बिकॉज इसको ऑडियो आउटपुट डिफरेंट करना रहता है, और स्मार्टफोन में डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट जो इसका ऑडियो वो कैमरा में, मतलब जो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो उसमें चले जाता है। और जो इसका ऑडियो आउटपुट है बहुत अच्छा मिल जाता है इस रेंज में, मतलब इसका जो कॉस्ट है 779 रुपीज़ है, तो इस रेंज में मतलब बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बिकॉज 150 रुपीज़ के भी माइक आते हैं, लेकिन शॉर्ट लेंथ होती है और उनमें आपको एक कंडेंसर और ये चीज़ें नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। और कंपनी बहुत अच्छी है बोया कंपनी, इसमें आपको वारंटी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं वारंटी अगर आपका ख़राब हो गया हो तो। और बहुत अच्छी ऑडियो आउटपुट आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी आउटपुट आ रही है, और आप देख सकते हैं मैंने जो आउटपुट है वो डायरेक्ट फ़ोन के कैमरे से आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और ये जो माइक्रोफोन है ये ओमी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, मतलब ये जो 360 साउंड रहता है उसको कवर करेगा, और जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो जो दूर की, मतलब दूर के जो साउंड आ रहा है वो नहीं आएगा, मतलब या फिर बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत कम साउंड आएगा इसका। और जो इसकी वायर की लेंथ है वो अपन को मिल जाती है 20 फीट, दैट इज़ 6 मीटर अप्रॉक्स, तो बहुत लंबा मिल जाता है, आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन या फिर किसी से भी कनेक्ट करके। तो और इसका जो बैटरी यूसेज है, दैट मीन्स जो इसमें अपन ने सेल लगाया था वो आप ही ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली जो इसकी जो बैटरी है या फिर सेल है वो बिल्कुल यूसेज नहीं होगा, अगर सिर्फ आप कैमराज या फिर कैमकॉर्डर या फिर लैपटॉप्स इनमें आपको यूज़ करना है तो तभी इसकी जो बैटरी यूसेज है तो यूज़ होगा, वो आपके ऊपर डिफर करेगा, लेकिन आप डेली यूसेज कर रहे हैं तब भी वो 6 मंथ to 1 ईयर तक यूज़ हो सकता है। और हाँ, हमको इसमें बहुत अच्छा लेदर केस, मतलब लेदर फिनिश का केस मिल जाता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। और इसके साथ ये भी मिल जाता है, मींस आप इसको 3.5 mm इसमें से 1/4 आउटपुट का मिल जाता है। सो गाइस, यही था हमारा बोया M1 माइक, और बहुत अच्छा माइक है, इसके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप बाय करना चाहते हो, और मतलब बेस्ट बाय आप कह सकते हो क्योंकि बहुत मतलब फ्रेंडली रेंज में आ जाता है, मतलब बजट फ्रेंडली रेंज में आ जाता है, और बहुत अच्छा आउटपुट और बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, तो आप बाय कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय बाय।